राहुल गांधी द्वारा उनकी मां सोनिया गांधी के फीते बांधते की फोटो वायरल हुई थी। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की फोटो भी वायरल की गई, जिसमें लिखा गया था कि राहुल गांधी के फीते ठीक करना असली मातृत्व है और प्रधानमंत्री का झूठा मातृत्व है। इस पर विज ने कहा कि वो फोटो मैंने भी देखी है, अच्छा लगा, लेकिन उसमें फर्क निकालना, कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने भी वो फोटो देखी। राहुल गांधी ने जब अपने माता जी के चप्पल को ठीक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी बात है। अब इसमें फर्क निकालना कि ये ठीक है ये गलत है, ये तो मातृत्व का अपमान है। दिल्ली से बाहर एयरफोर्स डे मनाए जाने पर हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, ये अच्छी बात है, इससे पहले सिर्फ दिल्ली में ही होते थे, लेकिन सरकार में ये बाहर हो रहे हैं, इससे और लोग भी देख सकते हैं। बहुत बधाई की बात है कि इस बार दिल्ली से बाहर एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही उनके लिए तो हिंदुस्तान केवल दिल्ली था, दिल्ली से बाहर वो निकलेंगे। अब हमारी सरकार ये सारे आयोजन और जगहों पर भी हों और लोग भी देखें, इसलिए इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जाता है। भारतीय कंपनी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 कफ सिरप को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया है, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसको लेकर अनिल विज का कहना है कि सरकार पूरे मामले को देख रही है, इसके सैंपल भेजे गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। सरकार जो है वो उसके ऊपर सारा ध्यान रखे हुए है, जैसे ही सैंपलों की रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे कार्रवाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके घर में खुद लड़ाई हो वो क्या राज संभालेगा। विज ने कहा कि कोई कम लड़ता है कोई ज्यादा लड़ता है, इसलिए ये डिस्टर्ब रहते हैं। केजरीवाल ने अपने डिस्टर्ब होने का राज साफ कर दिया है, जब उसके घर में खुद लड़ाई है तो वो बाहर क्या राज संभालेंगे। आप पार्टी को पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने घर की लड़ाई को संभालना चाहिए। कम लड़ती है ज्यादा लड़ती है, इसीलिए ये डिस्टर्ब रहते हैं। इन्होंने तो अपना राज बता दिया, ये डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, इसीलिए तो रहते हैं। घर में लड़ाई है तो बाहर कोई क्या कर लेगा, बाहर का क्या सवार लेगा। इनको सारे काम छोड़ के पहले घर की लड़ाई को ठीक करना चाहिए। मोहम्मद शमी द्वारा दशहरा बधाई देने पर उनके खिलाफ समाज द्वारा फतवा जारी करने पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि छोटी मानसिकताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये जो छोटी मानसिकताएं है ना, इनसे सारों को बाहर निकलना पड़ेगा अगर देश को आगे लेके जाना है। क्या फर्क पड़ता है इसमें, ईद होती है सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं, दूसरे त्यौहार होते हैं सभी जाके उनके शामिल होते हैं। तो आप इन चीजों से अगर इन्हीं में फंसे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा।